प्रोनाउन का यूज आया समझ में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सारे केस हैं इसमें, तो वो प्रोनाउन इसे हल्के में नहीं लेना है, वो हर जगह काम देगा। आप जब पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वाइज वहां भी काम देगा, ठीक है ना। प्रोनाउन हर जगह आता है, ठीक है, जैसे आपको देखना हो। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम आइए इसके यूजेज ऑफ प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस क्या देखते हैं। देखो यूजेज का मतलब थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, ये यूजेज क्यों जरूरी होता है। देखो प्रत्येक टेंस हर जगह यूज नहीं किया जाता है, देखने में लगता है। आप जैसे बातों को सामान्य रूप में समझने के लिए ऐसा आप समझें, जैसे आप सब कपड़े पहनते हैं। कपड़े से क्या होता है, आपको अपने शरीर को ही एक तरीके से ढकना होता है जहां जितना जरूरी है। लेकिन क्या सेम टाइप का ड्रेस हमेशा पहन के रखते हैं आप? हमेशा पहन के रखते हैं? ऐसा कोई इंसान है और जितना कपड़ा पहन के चलता है और वैसे ही जाके सो जाता है बेड पे? कोई नहीं है ना, तो गर्ल्स है ना बॉयज है, सब है, सबका एक अलग स्थान है, ठीक है ना। इसका मतलब कि कहां पे कौन सी चीजें जरूरी हैं, ऐसे प्रेजेंट इंडिफिनिट ये हमने सामान्य रूप में प्रेजेंट इंडिफिनिट के तौर और तरीकों को हमने जाना है, इसके रूल्स और रेगुलेशन को हमने जाना, फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन का यूज देखा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो हमने पढ़ा है उसका यूज किस किस तरीके से होता है ये हमें समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किस किस तरीके से, कहां कहां और किस लिए होता है, इन चीजों के बारे में जानना है। तो लिखिए यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिखना है? यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला सेंटेंस देखो, इसे बस समझना है। फर्स्ट में हमें पढ़ना है फैक्ट्स आर परमानेंट सिचुएशन। फैक्ट्स आर परमानेंट सिचुएशन, बोथ आर सेम। दैट सिचुएशन इज अ परमानेंट सिचुएशन, यू कैन से facts also means facts and permanent situation as a similar word, clear हुआ? समझ में आया? जैसे सूर्य पूरब से ही निकलता है तो एक फैक्ट है, जो फैक्ट होता है वो फैक्ट हमेशा सत्य होता है। कहते हैं मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, भारत की जनसंख्या 2020 में इतनी हो गई है तो एक फैक्ट है, जो फैक्ट होता है वही यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वही एक प्रकार की परमानेंट सिचुएशन होती है। यही परमानेंट, इस समय की परमानेंट सिचुएशन क्या है कि हमारे यहां की जनसंख्या इतनी है। डिड यू गेट इट और नॉट? समझ नहीं बात? लिखिए एक सेंटेंस, काउ ईट ग्रास, ऐसे काउ लिख लो, गाय क्या खाती है? घास। काउच, गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो एक परमानेंट सिचुएशन है कि नहीं? गाय क्या खाती है? घास खाती है।
यहां पे देखना ध्यान से, ये एक फैक्ट है कि गाय घास खाती है, एक परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है ना। लेकिन गाय घास खा रही है, काउ आर ईटिंग ग्रास, ये गलत होता है, क्योंकि हम फैक्ट या परमानेंट सिचुएशन को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। समझ में? जैसे आप कभी कभी बोलते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, और फिर कभी कभी बोलते हैं सूर्य पूरब में उग रहा है। ये जो उग रहा है, उदय हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि परमानेंट फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि सूर्य हमेशा पूरब में ही उगता है। लिखिए, ये लिखिए। यस सर। ये सही है, ये गलत है। एक और लिखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य उदय होता है, कहां उदय होता है? ईस्ट में, पूरब में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सूर्य पूरब में उगता है, इसी को आप ऐसे लिखें, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। बना तो सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। देखो, बनाने के लिए आप ऐसे सोचें, चने की दाल भी बना सकते हैं, चने की रोटी भी बना सकते हैं, चने की सब्जी भी बना सकते हैं, चने का हलवा भी बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। लेकिन ध्यान ये देना है कि उसका सामान्य यूज क्या है। समझ में? जैसे अरहर हुआ या राइस हुआ, चावल हुआ, चावल से चावल बनाया जाता है, लेकिन उस चावल का यूज कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सामान्य फैक्ट क्या है चावल? दरअसल फैक्ट ये है, राइस को बॉइल्ड राइस के रूप में यूज किया जाता है। गेहूं का यूज क्या होता है? गेहूं से आटा बनता है, यही तो होता है। अब फिर उससे ब्रेड बनाए, उससे मिठाई बनाए, वो एक अलग यूज है। लेकिन जो सामान्य फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि गेहूं आटे के लिए होता है। समझ आए? फैक्ट क्या है कि जो आपका धान होता है उससे चावल होता है, और चावल क्या होता है? वो बॉइल्ड राइस के रूप में, जिसे आप भात बोलते हैं, उस तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन बाकी आप कैसे भी बनाए, उसका मुरमुरा बना लें, जो भी चीजें बनती हैं। तो सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि फैक्ट ये है कि सूर्य तो हमेशा पूरब में ही होता है। आज तक पश्चिम में कभी होगा नहीं, कभी हो सकता है पश्चिम में आ जाए, लगता नहीं है। जो संभव नहीं होता उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिम में उगना संभव है ही नहीं। तो देखो, सूर्य ये एक फैक्ट है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? गलत। यहां तक किसके समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ? Yes, समझ में आया? Yes, लिखिए एक और, वाटर फ्रीजेज, वाटर फ्रीजेज एट 0 degree Celsius, वाटर फ्रीजेज, वाटर WETER, वाटर फ्रीजेज एट 0 degree Celsius, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 degree Celsius।
जैसे लिखना अंकिता वॉक्स इन ऑफिस, और दूसरा मैंने लिखा अंकिता इज वर्किंग इन ऑफिस। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? देखो मान लीजिए आपके पापा ऑफिस में काम करते हैं, आप सब ये बोलते हैं ना कि हमारे पापा ऑफिस में काम करते हैं, ये तो नहीं बोलते ना हमारे पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं, कभी ऐसा कोई बोलता है? नहीं समझ में? फिर से समझो, जैसे आपसे आपकी मम्मी खाना बना रही है, उसी समय आपसे किसी ने पूछा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, तो आप बोलते हो कि मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, यही है ठीक है ना। कभी आप ये नहीं बोलते हो मम्मी खाना बना रही हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है खाना बनाना। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जो भी परमानेंट फैक्ट होता है या परमानेंट सिचुएशन होता है उसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं आता। समझ पा रहे हैं? यहां पे यही देखना है, वाटर फ्रीजेज एट 0°C। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0°C है तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 4°C हो या -4 हो, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसका मतलब ये किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अरे समझो, पढ़ा है आपने कि नहीं? ठीक है ना। तो मींस यू शुड नो अबाउट दिस दैट द एनी थिंग्स विच आर फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसे किसमें लिखना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे गाय घास खाती है, तो एक फैक्ट है कि गाय क्या खाती है? घास खाती है। अब आप ये दूसरी चीज आप बोल देना है रोटी भी खाती है, संतरे का छिलका भी खा लेती है, वो फैक्ट नहीं है, वो है उसे आपने दे दिया, उसे जरूरत है घास की, वो संतरे के छिलके से उसका काम नहीं चलता है। अब कोई गुड़ खिला दे, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है आपने, पीला वस्त्र अपना लपेट के रखते हैं, पीला वस्त्र। आप सबको भी अगर यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन सिचुएशन है कि पीली धोती लपेट के चलना पड़ेगा, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे ना। प्रियंका गांधी जो जीन्स और टी शर्ट में हमेशा चलने की ख्वाहिश रखती हैं, अपने घर में वैसे ही रहती हैं, वो भी आजकल माथे पर चंदन और ढीली ढाली साड़ियां, मेरे ख्याल से वो खटाऊ मेल की, पहले खटाऊ मेल की धोती चलती थी शायद, वैसा पहन के चल रही है आजकल, सोचिए। लेकिन घर पहुंचती होंगी तो बड़ा दुख होता होगा, फेंक, पता नहीं कैसा देश है, है कि नहीं? काश कोट पैंट में चलती, ऐसा देश होता। तो, लेकिन भारत देश के लोगों की सोच ऐसी है, जो महिला साड़ी में होगी वही महिला शुद्ध होगी, जो महिला जींस पैंट में होगी वो महिला शुद्ध नहीं होगी। पता नहीं शुद्धता का संबंध कपड़े से रख देते हैं, शुद्धता का संबंध कपड़े से सीधा, मतलब आप धोती कुर्ता पहने हैं तो ये मान लेंगे बहुत सीधा साधा लड़का है, आपने जीन्स पहन लिया तो तुरंत वहीं पे मान लेते हैं ये, मतलब ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। और इसी की वजह से लोग काफी पीछे चले जाते हैं। समझ में? यस सर। संत लोग इसी में क्या करते हैं अपना। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है, सामान्य जो फैक्ट है, फैक्ट यहाँ पे आपको देखना है, वाटर फ्रीजेज एट 0°C, तो सामान्य फैक्ट है, ये ऐसा होता है इसीलिए ये सही है।
और अगर सामान्य फैक्ट है तो सामान्य फैक्ट को हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, समझ गए। दूसरी चीज यहां पे, जैसे अंकिता वर्क्स इन ऑफिस, मान लीजिए अंकिता ऑफिस में काम करती है, और फिर यही पे अंकिता इज वर्किंग इन ऑफिस, ये गलत है, क्योंकि उसकी परमानेंट सिचुएशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी जॉब क्या है। जैसे किसी से पूछो कि भाई साहब आप क्या करते हैं, तो वो अपने जॉब कर रहा है लेकिन फिर भी बोलता है भाई मैं बैंक में ऐसे ही मैं बैंक में जॉब करता हूं। वो ये नहीं बोलता है कि मैं बैंक में जॉब कर रहा हूं, क्योंकि जॉब तो उसकी 10-12 साल चल ही रही है, जॉब खत्म होती है। तो अगर आप देखें तो जॉब तो उसकी कॉन्टिन्यूअस में है, कहां वो रिटायर हुआ, लेकिन फिर भी क्या बोलता है मैं बैंक में जॉब करता हूं, क्योंकि वो क्या है एक परमानेंट सिचुएशन है। आपको ऐसे सोचना है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है, तो आज यहीं तक, आगे देखेंगे कल। बच्चों ना समझ में आए तो ये सब वीडियो डाल दिया जाएगा, देखते रहना, खुद भी देखना, पड़ोसी को भी दिखाना।